साहब शुरुआत कीजिए आप अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। अनिल जी, देखिए जो मेरा आज का लॉन्ग टर्म स्टॉक है, एक बहुत ही शानदार कंपनी है। कंपनी का नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे 97% जो भारत का टोटल पावर ट्रेडिंग का वॉल्यूम है वो होता है। एक जबरदस्त कंपनी है। हाल ही में इसके नतीजे आए थे, सितंबर क्वार्टर के बहुत ही अच्छे नतीजे थे। इस स्टॉक को मैंने कई बार एज अ शॉर्ट टर्म पिक, एज अ पोजिशनल पिक भी रिकमेंड करा हुआ है, और हर बार इसके टारगेट अचीव हुए हैं। हाल ही में भी ये 210-15 के लेवल से फिर बाजार में थोड़े करेक्शन के कारण ये करेक्ट होकर अभी 201 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। बट एक शानदार कंपनी है। आप फंडामेंटल्स देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 89% के, रिटर्न ऑन इक्विटी है 45%, एक जीरो डेट कंपनी है। पिछले 3 साल का अगर प्रॉफिट्स का कैगर देखेंगे तो अराउंड 20% की कैगर से ग्रोथ दर्ज करी है कंपनी ने। फिर इसमें मार्की इन्वेस्टर्स है, मतलब जितने भी ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, जैसे फिडेलिटी है, निपोन AMC है, मेरे एसेट मैनेजमेंट, SBI लाइफ, ICICI प्रू, इन सब की इसमें हिस्सेदारी है, मतलब मेजरली प्रोमोटेड बाय दीज एंटिटीज। बाकी इसमें MIT, जो कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी US की, उसकी भी अराउंड 2.06% की हिस्सेदारी है। फिर अगर भारतीय ग्रुप में देखें तो दालमिया पावर की हिस्सेदारी है, जिन्होंने हाल ही में भी वापिस से इसमें कुछ अपनी हिस्सेदारी 207 के आसपास के प्राइस में कुछ दिनों पहले बढ़ाई है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। मुझे लगता है ये स्टॉक एक पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, और मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में जब NSE का IPO आएगा तो ये जितने एक्सचेंजेस है, जैसे BSE है, MCX है, IEX है, इन सब की भी रीरेटिंग होगी। तो स्टॉक बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदा जाना चाहिए, और मेरा आने वाले 9 से 12 महीने में इस स्टॉक पे ₹275 का टारगेट। आइए अब बढ़ते हैं आगे और सेठी साहब से ले लेते हैं उनकी पोजिशनल पिक। सेठी साहब बताइए। हाँ बिल्कुल अनिल जी, आज की पोजिशनल पिक देने के पहले एक स्टॉक के बारे में और चर्चा करना चाहूंगा, जो कल दोपहर को मैंने मेरी F&O पिक के तौर पे 2:30 बजे के सेगमेंट में दिया था। SBI लाइफ इंश्योरेंस 805 के लेवल पे रिकमेंड कर रहा था, 830 का टारगेट था, अभी 820 का भाव है, और जिस तरह का इसमें मूवमेंट आ रहा है, मुझे लगता है जो 830 के टारगेट है बहुत ही जल्दी, मतलब आज ही अचीव होने चाहिए। तो दैट इज माई अपडेट। बाकी जो मेरी आज की पोजिशनल पिक है वो है डेल्टा कॉर्प। एक लाइफस्टाइल कंपनी है जो कि मेजरली कैसीनो के कारोबार में है, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी जो अनलॉक के बाद से लोगों का गोवा की तरफ जो जाने का, जो टूरिज्म है, वो काफी बड़ा है। फिर जो कल की खबरें हैं, फाइजर ने जो वैक्सीन के में कामयाबी की बातें करी है, उससे मुझे लगता है इस तरह की कंपनी जो कि काफी बीटन डाउन लेवल्स पे ट्रेड कर रही है, हालांकि इस क्वार्टर के नतीजे खराब आए, उसके बाद भी आज ये स्टॉक थोड़ा चल रहा है, 120-22 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक डेफिनेटली खरीदा जाना चाहिए। फ्रॉम अ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, अपने हाइट से काफी नीचे ट्रेड करता है, एक हाई मार्जिन बिजनेस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो अराउंड 34% के मार्जिन पे ये स्टॉक काम करता है, और आप देखेंगे तो इसमें कई मार्की इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है, जैसे बाजार के दिग्गज राकेश झुंझुनवाला जी, राधा किशन दमानी जी, इनका भी इसमें इन्वेस्टमेंट है। प्रोमोटर्स की अच्छी खासी हिस्सेदारी है, प्लेज कुछ है नहीं। मुझे लगता है ये स्टॉक जो करंट लेवल 122 के आसपास ट्रेड करता है, यहाँ पे खरीदारी करें। पोजिशनल तौर पे मेरा इसमें टारगेट है ₹135 का, स्टॉप लॉस रहेगा ₹112। ये है आपके लिए राय डेल्टा कॉर्प में खरीदारी करने की आती हुई इस वक्त विकास जी की तरफ से। नतीजों के बाद स्टॉक तेज दौड़ लगाता हुआ 6% मजबूत। सेठी साहब का एक स्टॉक जो शॉर्ट टर्म में दौड़ लगाने को तैयार है, SBL मिड कैप स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म पिक। सेठी साहब बताइए। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है वो एक होटल सेक्टर का स्टॉक है। जिस तरह से खबरें आ रही है कि फाइजर को कामयाबी मिल गई है, या 90% कामयाबी मिल गई है वैक्सीन के लॉन्च में, तो इन सबको देखते हुए जो कोरोना के लॉकडाउन से या जो अनलॉक होगा उससे जो सेक्टर को फायदा होगा वो होटल सेक्टर है, और वहां पे सभी स्टॉक्स आज बिल्कुल फोकस में है। और ऐसे भी माना जा रहा है, चूंकि ये सेक्टर पूरा दिक्कत में था, तो अगर आने वाले दिनों में अगर सरकार से कोई स्टिमुलस पैकेज आता है तो इस सेक्टर के लिए डेफिनेटली उसमें कुछ होना चाहिए। तो वहां से मैंने थोड़ा कम चला हुआ स्टॉक ताज GVK को पिक किया है, जिसका अभी करंटली प्राइस है ₹141 का। देखिए इंडियन होटल्स में आज 11-12% की तेजी चल रही है, ये स्टॉक भी बिल्कुल मुझे लगता है करंट लेवल से अच्छा करेगा। ये ताज ग्रुप यानी कि इंडियन होटल्स, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है, उसके और GVK जो हैदराबाद का ग्रुप है उसके बीच में ज्वाइंट वेंचर है। इन कंपनी की करीबन 3 होटल्स तो है, हैदराबाद में एक है, चेन्नई में एक है, चंडीगढ़ में। स्टॉक अच्छा है, कंपनी का नॉर्मल सिनेरियो में जो नॉर्मल टाइम्स में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से अराउंड 18%, डेट इक्विटी रेशियो 0.35 का है, और पिछले 3 साल का, मतलब अप टू मार्च ऑफ 2019 अगर देखेंगे तो प्रॉफिट्स में अराउंड 31.96% की कैगर से कंपनी ने ग्रोथ दर्ज करी है।
प्रोमोटर्स के अराउंड 75% की हिस्सेदारी है, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है ये जो सेक्टर है बिल्कुल आने वाले दिनों में भी फोकस में रहेगा, तो इस स्टॉक में करंट लेवल जो 141 के आसपास के लेवल से यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसमें 150 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 135 का। तो ये है आपके लिए ताज जीवीके में खरीदारी करने की राय इस वक्त सेठी साहब की तरफ से। ये है एक और बेहतरीन पिक जहां पर आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिहाज से, ये मानना है यहां पर सेठी साहब का।